जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम कौन सी पोस्ट को कैसी प्रेफरेंस दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें लगभग 26,146 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसमें बीएसएफ के 6,174 पद हैं, सीआईएसएफ के 11,025 पद हैं, सीआरपीएफ के 3,337 पद हैं, एसएसबी के 635 पोस्ट हैं, आईटीबीपी के 3,189 पद हैं, असम राइफल के 1,490 पद हैं। इसके अलावा एसएसएफ के 296 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो अब आप सभी के मन में सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये होगा कि हम कौन सी पोस्ट को कैसा प्रेफरेंस दें, किसको पहले नंबर पर रखें, किसको दूसरे नंबर पर रखें, किसको तीसरे नंबर पर रखें, ठीक है। तो हम कैसे किस पोस्ट को प्रेफरेंस दें, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप एक बात पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो आपका पेपर कितने नंबर का है। जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर आपका कितने मार्क्स का है, 160 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। मान लीजिए कि ठीक है, 160 मार्क्स का आपका पेपर है ना। अब सभी पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, आपको पता होगा। मान लीजिए बीएसएफ की कट ऑफ गई 120 नंबर, ठीक है। सीआईएसएफ की कट ऑफ मान लीजिए गई 125 नंबर, मान लीजिए गई सीआरपीएफ की कट ऑफ गई 124 नंबर, एसएसबी की मान लीजिए गई 124 नंबर, मान लीजिए आईटीबीपी की कट ऑफ गई 123 नंबर, असम राइफल की मान लो कट ऑफ गई 126 नंबर, और एसएसएफ की कट ऑफ मान लीजिए गई 130 नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसी ऐसी कट ऑफ गई, ठीक है। देखिए, इतनी कट ऑफ जाएगी हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, ये हम एक एग्जांपल दिए हैं कि मान लीजिए इतना इतना कट ऑफ जाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके मार्क्स, मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं 126 नंबर, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं 126 नंबर, और आपने प्रेफरेंस लाइन से दी हुई है, इसको एक पहले नंबर पर, इसके दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर, इसी प्रकार लाइन से आपने प्रेफरेंस भर दिया, आपने कुछ देखा नहीं, ठीक है। तो 126 नंबर आपका है और इसका कट ऑफ किया 120 नंबर, तो आपको पहले नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप पछताएंगे कि मैं अगर सीआईएसएफ डाल दिया होता तो मेरे को सीआईएसएफ मिल जाता। अगर आप पहले नंबर पर सीआईएसएफ डाल दिए होते तो आपको सीआईएसएफ मिल जाता, ठीक है। या आप पछताएंगे कि अगर मैं एसएसबी डाल दिया होता तो मेरे को एसएसबी मिल जाता, ठीक है, क्योंकि अगर आपका पहले नंबर वाला कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आपको पहले नंबर वाली नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मार्क्स आ रहा है 123 नंबर, ठीक है, और आपने पहले नंबर पर इसको, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे पर इसको, चौथे पर इसको, पांचवें पर इसको, छठवें पर इसको और सातवें नंबर पर इसको दिया है प्रेफरेंस, ठीक है, और आपके मार्क्स है 123, तो तब भी आपको यही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इसका कट ऑफ कितना गया है 124, ठीक है, तो आपको ये भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, आपको ये वाला पोस्ट आपको मिल जाएगी, आईटीबीपी की पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 123 कट ऑफ गया है और 123 मार्क्स आपका भी है तो आपका सिलेक्शन यहां पर आईटीबीपी में हो जाएगा, ठीक है। ये कट ऑफ आपका क्लियर नहीं था इसलिए आपको यह पोस्ट नहीं मिला है, जो कट ऑफ आपका क्लियर रहेगा वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और किसको आपको पहले नंबर पर रखना है,
किसको दूसरे नंबर पर रखना है, किसको तीसरे नंबर पर रखना है। ठीक है, देखिए पोस्ट सारी अच्छी हैं, मैं किसी पोस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पोस्ट सारी अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी पोस्ट सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपको कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर रखना चाहिए, तो देखिए सबसे जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है इसमें, वो मानी जाती है SSF की, क्योंकि जिंदगी भर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। ठीक है, तो पहले नंबर पर आप इसको H नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आप H डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर एक ही पोस्ट पर रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर एक ही जगह रहें जैसे कि दिल्ली, तो आप इसको पहले नंबर पर डाल सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है CISF की, क्योंकि इसमें आपकी बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं लगती है, आपकी जो एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन या भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां इनकी ड्यूटी लगती है। तो दूसरे नंबर पर आप इसको बी को डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहले नंबर पर एच डाल देंगे, दूसरे नंबर पर बी डाल देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, देखिए तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो SSB ये पोस्ट होती है नेपाल बॉर्डर की। ठीक है, SSB वाली जो पोस्ट है वो नेपाल बॉर्डर की रहती है। ठीक है, भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर इनकी तैनाती की जाती है। तो बहुत अच्छी जॉब ये भी मानी जाती है। ठीक है, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर ना, ठीक है, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आप BSF या फिर CRPF आप किसी भी एक को दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम BSF को अगर दे रहे हैं तो BSF में हम डाल देंगे A, ठीक है, और पांचवें नंबर पर हम डाल देंगे CRPF को, यानी कि C को। ठीक है, CRPF यानी क्या होता है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि जहां अगर मान लीजिए कहीं चुनाव होता है वहां इनकी ड्यूटी लगती है, नक्सलवादी जो एरिया होते हैं वहां पर ड्यूटी लगती है, तो कई प्रकार से इनकी ड्यूटी यहां पर लगाई जाती है। अगर हम बात करें BSF की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग लगाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला प्रेफरेंस जो है, आप असम राइफल या ITBP इन दो में से किसी एक को दे सकते हैं। तो असम राइफल की ड्यूटी असम में लगती है जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, वहां पर बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। और ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि जो भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे, वहां पर हिमालयी क्षेत्रों में यह ड्यूटी लगाई जाती है आपकी। तो आप यहां पर छठवें नंबर पर F को रख सकते हैं और सातवें नंबर पर आप रख सकते हैं E को। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, भले आपका मार्क्स कितना भी आए, भले आपकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन आपको प्रेफरेंस ऐसे देना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई भी पोस्ट इसमें से खराब नहीं है, सारी पोस्ट अच्छी है, सभी का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में, जो छात्र है जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में, कि हमको प्रेफरेंस ऐसी देनी है, और वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताया हूं। ठीक है, मैं सभी पोस्ट के बारे में बताया हूं कि इनकी ड्यूटी कहां लगती है और कैसी इनकी जॉब रहती है। ठीक है, उस हिसाब से आप ऐसा प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।